नमस्कार, इजी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, क्या गंध तेल के इस्तेमाल उंगलियों की जकड़न के लिए किया जा सकता है? क्या इस तेल के मालिश या मौखिक सेवन से उंगलियों की गतिशीलता बहाल की जाएगी? गंध तेल, तेल के रूप में एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक दवा है, जिसका उल्लेख आयुर्वेदिक ग्रंथों में अस्थिभंग के उपचार में किया गया है। यह तेल मौखिक रूप से प्रशासित किया जाता है। यह हड्डियों के शक्ति में सुधार करता है। हालांकि फ्रैक्चर के इलाज में इसका जिक्र है, लेकिन गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस, स्नायु चोट आदि के इलाज में भी फायदेमंद है। अष्टांग हृदय के अनुसार गंध तेलम इदम उत्तमम अस्थि स्थैर्यकृत चाशु जयति वातपित जनितान विकारान। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए गंध तेल सबसे अच्छी दवा है। यह वात और पित्त दोष की उत्तेजना से जुड़ी हड्डी और जोड़ विकारों के उपचार में कारगर है। गंध तेल के मुख्य तत्व है तिल, गाय का दूध, मुलेठी, सोयो, उशीर, मोथा, केसर, अनंतमूल, चंदन, डूब आदि। यह दवा कैप्सूल के रूप में भी उपलब्ध है, जो मौखिक प्रशासन में मदद करती है। सवाल यह है कि क्या इस तेल का इस्तेमाल उंगलियों की जकड़न के इलाज के लिए किया जा सकता है? यह अकड़न के कारण पर निर्भर करता है। यदि उपास्थि या अस्थि ऊतकों के नुकसान के कारण कठोरता होती है, तो गंध तेल कठोरता को दूर करने के लिए उपयोगी है। यदि अकड़न, बुखार, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आदि के कारण होती है, तो आमतौर पर गुगलो, शलकी आदि जड़ी बूटियों का अधिक उपयोग किया जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के और रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।